अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बामोर कस्बे के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय के नवीन भवन में शिक्षक तथा शिक्षिकाओं द्वारा योग प्राणायाम किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार सेंगर ने बताया कि योग और प्राणायाम करने से हम बिना दवा के निरोगी रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगती है। इस अवसर पर योग शिक्षक सतीश कुमार यादव, धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, जितेन्द्र सिंह धाकर, जितेन्द्र दुबे, नरेश बाबू गोयल, अयुब अली, अंजना सरस्वत, ओमती पवार, हरी शर्मा, साधना भदौरिया, सीमा गुर्जर, आकांक्षा तोमर, भगवान सिंह जमौरिया सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर शासकीय महाविद्यालय बामौर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संजय करार ने बताया कि सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे तमाम तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। योग का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद प्रभारी डॉक्टर पी डी गुप्ता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर भावना सिंह भदौरिया, श्री ज्ञानंद सिंह वार्ष्णेय, सुरेंद्र सिंह परमार, डॉक्टर राजीव शर्मा, शैलेंद्र करौरिया, डॉक्टर मोहन मौर्या, डॉक्टर हेमंत गुप्ता, डॉक्टर अनिल सोनू शर्मा, महाविद्यालय का स्टाफ, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खबर हर पल के लिए बामोर से शिवशंकर सेवरे की खबर। Why don't I do that?